हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आगे हम आपके साथ एज अ अवेयरनेस शेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट का नाम है अरविंद। तो उसने शेयर किया था कि उसको एक स्टूडेंट मिला, उसने अपने CAQ की जो फीस होती है वो उसके कंसल्टेंट ने उससे 50,000 चार्ज की थी। और उसने ये बोला था कि आपका CAQ हमारा कोई स्पेशल एजेंट है क्यूबिक में जो हैंडल करेगा और आपका CAQ 20 डेज में आ जाएगा। ये बोलकर उसने उससे 50,000 लिया। और वो स्टूडेंट अरविंद ये भी बता रहा था कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स अगर किसी स्टूडेंट के IELTS में स्कोर 5 है किसी मॉड्यूल में या फिर 5.5 है, ये बोल के कि सर आपकी प्रोफाइल वीक है, आप तो लाइक इस वीक उस चीज़ का डरा के कि आपकी प्रोफाइल वीक है, आपका IELTS का स्कोर 5 है या फिर 5.5 है और आप प्लीज़ वीज़ा लेने की करिए, पैसों की चिंता मत करिए, ये बोल के उनसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। और जैसे ही मैंने सेम इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर शेयर की, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज़ सबसे नीचे लिंक पड़ा वहाँ फॉलो कर लीजिए। सो इंस्टाग्राम में शेयर की तो उसके बाद मुझे आज मॉर्निंग एक और स्टूडेंट का कॉल आया कि जिसने बताया कि मेरे कंसल्टेंट ने मेरे से 14,000 फीस ली है CAQ की। और उसने हाँ ये नहीं बताया कि उसको किसी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई स्पेशल एजेंट उनका कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया। बट उसने ये बताया कि उससे 14,000 चार्ज किया गया है। बट जो एक्चुअल CAQ की फ़ीस है जो कटती है वो 114 से $115 के आसपास है। आप खुद काफ़ी स्मार्ट है, कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट कितनी बन जाती है एज़ पर जिस दिन भी आप ट्रांसफ़र करेंगे। और उसके साथ जो एक्स्ट्रा रखते हैं वो 1,000 से 1,500 लगते हैं। वो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी ट्रांसलेशन, आपकी जो एजुकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जो कॉपीज़ होती हैं वो आपकी कुरियर होती हैं। सो फोटोस्टेट्स होती हैं वो बेसिकली कुरियर होती हैं आपका। और CAQ का फॉर्म होता है वो कुरियर होता है जिसको हार्डली 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। आप जैसे उनको मिल जाता है उसके बाद आपका CAQ आ जाता है। और इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लगता, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं लगते, बट कंसल्टेंट्स यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। एंड एक्चुअल फ़ीस काफ़ी कम है, 114 से 115 के आसपास ही है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम बाकी सबके साथ शेयर कर सकें। और अगर आपके साथ होने वाला था तो आप आपको पहले से ही आपको पता लग गया। और प्लीज़ ये वीडियो बाकी सबके साथ भी शेयर कीजिएगा इनकी, अगर उनसे भी अगर कोई कंसल्टेंट लेने वाला हो तो आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कहाँ पर पे कर रहे हो, कैसे कहाँ पर पे किया, आप मुझे प्रूफ दिखाएं। और इन बेसिस पर आप उनसे कन्फ्रंट करके जो सच है वो पता लगा सकते हैं। बट एक्चुअल फ़ीस काफ़ी कम है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे स्टूडेंट्स ने बताई है आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ये मैं कोई ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा हूँ या फिर कुछ गाइड नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली स्टूडेंट्स से देखिए उन सबका कुछ नहीं जा रहा था, उनको इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस वो एज अ अवेयरनेस आप सबके साथ शेयर करना चाहते। तो ऐसे ही अगर आप भी मेरे साथ चाहते हो, आपको कुछ पता है आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या फिर आपको पता कुछ हो रहा है या फिर आपका वीज़ा भी लगा है और आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहते हो कि आपकी वीक प्रोफाइल थी, आपका वीज़ा लगा, आपने कौन से कॉलेज में अप्लाई किया या कुछ भी, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर नीचे सबसे नीचे लिंक पड़ा है वहाँ पर फॉलो कीजिए एंड अपनी स्टोरी बताइए और हम आपकी स्टोरी आगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ CAQ वाली बात आप जिनको पता है उनको पता है, वेरी वेरी गुड, जिनको नहीं पता आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे और उनका कोई पैसे का नुकसान होने से पहले पहले बच जाए। एंड आप में से जो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे प्लीज़ वहाँ पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वहाँ बेसिकली सारे DMs जो मुझे आते हैं स्टूडेंट्स के मैं वही शेयर कर रहा हूँ। एंड आप भी ज़रूर अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। और बेसिकली ये सारी चीज़ें मोस्टली कंसल्टेंट्स जो कर रहे हैं किसी बच्चे के 5.5 में किसी मॉड्यूल में या फिर 5 में, उन स्टूडेंट्स को डरा के कि आपका वीज़ा नहीं आ सकता, आपकी प्रोफाइल वीक है, सो एंड सो चीज़ें बहाने बना के कर रहे हैं। बट मी एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, CAQ का आपकी IELTS स्कोर का कोई ताल्लुकात है ही नहीं, क्योंकि जब आपका CAQ जाता है तब तो डॉक्यूमेंट आपके एजुकेशन के जाते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जाता है, आपका IELTS का स्कोर तो जा ही नहीं रहा, तो फिर कैसे हुआ। सो आप खुद बाकी स्मार्ट हैं, आपको खुद आइडिया हो जाएगा क्या सच है क्या नहीं है। एंड अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सही मिली हो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने जो भी आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर हमें बताइएगा। Okay, thank you so much for watching this video. Keep supporting. Bye-bye.